बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। मैं आज आपको 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी, वो है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, यू नो इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। ठीक है, अब आपको पता है जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बनती है, ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है, हमारे पास डिडक्शन आता है जिसमें हम इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, एक्सपेरिमेंटेशन आती है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं कि हाइपोथेसिस हमारे पास करेक्ट है या रोंग है। ठीक है, मतलब कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम परफॉर्म करते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या रोंग है, इसको हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आएंगे एक्सपेरिमेंट में, बार बार एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से अगर रिजल्ट सेम आए, ठीक है, मतलब हमारे पास डिटेक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस आता है, एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम बार बार एक ही चीज़ का एक्सपेरिमेंट बार बार करते रहेंगे, ठीक है, और उसका रिजल्ट अगर अगेन एंड अगेन सेम आए, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, हमारे पास थ्योरी बन जाती है। क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अगर हमारे पास ट्रू आ जाए तो वो चीज़ क्या बन जाती है, थ्योरी। एक्सपेरिमेंट ट्रू, इसका मतलब क्या है, हमारे पास थ्योरी आ गई। और वो क्यों आई है, कि हमने जो है एक्सपेरिमेंट का बार बार उसका एक्सपेरिमेंट किया है और उसका रिजल्ट क्या आया है, सेम आया, तो वो चीज़ क्या बन गई है, हमारे पास थ्योरी बन गई। ठीक है, अब थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, दी हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्ट एंड नेवर रिजेक्टेड। ठीक है, थ्योरी में क्या है, यही है कि हाइपोथेसिस का बार बार क्या किया जाता है, टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि ऑफन टेस्टेड, उसका बार बार टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और फिर वो चीज़ क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि जब लॉ और प्रिंसिपल की बारी आती है, इसमें इररिफ्यूटेबल स्टेटमेंट, थ्योरी के बाद जो इररिफ्यूटेबल स्टेटमेंट हमारे पास आती है, जिसको कभी भी नहीं चेंज किया जा सकता, वो चीज़ क्या कहलाती है, लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, आफ्टर थ्योरी इररिफ्यूटेबल स्टेटमेंट बिकम्स लॉ या प्रिंसिपल, नो वन कैन रिजेक्ट, मतलब वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक क्या बन गई है, लॉ बन गई। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में भी किसी चीज़ का कोई लॉ हो ना, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर भी उनका यही मतलब है कि इररिफ्यूटेबल स्टेटमेंट बिकम लॉ या प्रिंसिपल, ऐसी स्टेटमेंट जो कभी ख़त्म ना हो सके, किसी को भी रिजेक्ट ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है, लॉ या प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हमने पढ़ना है साइंटिफिक लॉ। आ साइंटिफिक लॉ इज़ एन यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये भी वही है, सेम साइंटिफिक लॉ क्या है, यही है, यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इट इज़ एन इरिफ्यूटेबल थ्योरी। ठीक है, इरिफ्यूटेबल ये थ्योरी होती है। ठीक है, अब बायोलॉजी में दो तरह के लॉज हैं, फॉर एग्जांपल हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये लॉज कहीं पे भी आप चले जाएं ना दुनिया में, तो ये लॉज कभी भी जो हैं चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी और हार्डी-वेनबर्ग लॉ, कहीं पे भी आप चले जाएं, आपको सेम टू सेम यही चीज़ मिलेगी। आप बेशक जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट्स कर लें, सेम यही चीज़ आएगी। तो ये चीज़ क्या है, हमारे पास लॉ है, जो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। और नेक्स्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि आपने डिफरेंस बताना है थ्योरी और लॉ का के दरमियान, ये अलग से सिर्फ शॉर्ट आ सकता है, डिफाइन थ्योरी और साइंटिफिक लॉज के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर के इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।